हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपने एंड्रॉइड मोबाइल से अपने ब्लॉगर के टेम्पलेट को HTML कोडिंग के द्वारा कैसे एडिट करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और ईमेल भी करते हैं, कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्ट कॉल भी किया कि इसराइल भाई हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, कुछ ऐसा ट्रिक लाओ जिससे हम लोग अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ही ब्लॉगिंग कर सकें और साथ ही साथ अपने HTML कोडिंग को भी अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ही एडिट कर पाए। अगर दोस्तों आप लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूं, उसे आपको यहां पे फॉलो करना है। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल से, उनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। जब वो लोग ब्लॉगर के टेम्पलेट को HTML कोडिंग में एडिट करते हैं तो वहां पे वो लोग किसी भी कोड को पेस्ट नहीं कर पाते हैं और ना ही उसे एडिट कर पाते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक हमारा यही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोग सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते हुए बहुत ही आसानी के साथ एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ब्लॉगर को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, वो भी HTML कोडिंग की मदद से। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि इसराइल भाई हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे भाई जो हैं जो मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनको यहाँ पे काफ़ी मदद मिल सके। तो सिंपली दोस्तों हम लोग यहाँ पे blogger.com यहाँ पे सबसे पहले तो ओपन कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सब कुछ हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कर रहे हैं और जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये 100% वर्किंग है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। एक दो स्टेप मैं यहाँ पे बताऊंगा, सिंपली आपको उसे फॉलो करते हुए सारा कुछ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा blogger.com यहाँ पे ओपन हो चुका है और डैशबोर्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सिंपली हम लोग यहाँ पे जिस ब्लॉग को यहाँ पे एडिट करने वाले हैं, इसका नाम हमने रखा था डेमो है, ठीक है, लेटेस्ट वायरल हिंदी न्यूज़, तो हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे हम यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ओपन करके दिखाएंगे और ताकि दोस्तों आप लोग इसका URL वगैरह भी याद रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे व्यू कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा ब्लॉग का सब डोमेन है, वो भी ब्लॉगर के ऊपर है, आप इसका डोमेन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप साइट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारा जो है टेम्पलेट ये सही तरीके से आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेन्यू, ये दोस्तों टेम्पलेट जो है ये आप HTML कोडिंग की मदद से ही इसे आप एडिट कर सकते हैं, इसका नाम वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वो ही ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाने के बाद। और साथ ही साथ यहाँ पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ भी आप चाहते हैं इस टेम्पलेट में चेंज करना बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो रही है कि बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और इस टेम्पलेट को वो लोग सही तरीके से एडिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसमें कुछ एरर भी है। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का जो ये टेम्पलेट का ऑनर जो यूज़ किए हुए हैं, तो ये बैकग्राउंड इमेज में ही एरर है, तो इसे आपको हटाना है। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर अपने एंड्रॉयड मोबाइल से हटा सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड थीम के ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो है थीम यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो है मोबाइल वर्जन में साइट जो है सही तरीके से ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गियर का आइकॉन, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद दोस्तों बहुत अच्छा प्रोफेशनल आपका साइट खुलेगा मोबाइल में, ठीक है। अब यहाँ पे बात रही दोस्तों कि आपको यहाँ पे एडिट करना है, वो भी एडिट HTML, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, आप क्रोम ही यूज़ करें तभी दोस्तों ये सही तरीके से हो पाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एडिट HTML के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है यहाँ पे सही तरीके से आप एडिट नहीं कर पाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसे लोड होने देंगे, ठीक है।
ये सही तरीके से जब तक नहीं यहाँ पे ओपन होगा तब तक आप किसी भी तरह का छेड़खानी ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एडिट HTML के ऊपर करना है क्लिक, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो टेम्पलेट है HTML कोडिंग में सही तरीके से एडिट हो चुका है, ठीक है। ये वार्निंग है, इसे आप हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने उंगली से यहाँ पे प्रेस करके रखना है लॉन्ग टाइम, ठीक है। आपका कीबोर्ड यहाँ पे ओपन होगा, इसे आपको हटा देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको दो बटन देखने को मिल रहा है, पेस्ट और सेलेक्ट ऑल। तो आपको सेलेक्ट ऑल के ऊपर करना है क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टोटल HTML कोडिंग जो है ये सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको फिर से प्रेस करना है अपने उंगली को और ये कीबोर्ड यहाँ पर बार बार ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पर एक बार हल्के से बैक कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। और सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ कट कॉपी पेस्ट सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टोटल यहाँ पे कट हो चुका है। अब दोस्तों आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, क्विक एडिट टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। आप इसका देख लीजिए, लोगो वगैरह देख लीजिए, हमारे पास पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो हम इसे सिंपली यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लॉन्ग प्रेस करना है अपने उंगली को। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपको चार तरह का टैब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट कर देना है, जो आपने वहाँ से कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हो बहुत ही आसान प्रोसेस से आप लोग चेंजिंग कर सकते हो, किसी भी तरह का इसमें कोई झमेला नहीं है। अब यहाँ पे बात रही दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे एडसेंस का कोड कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हेडर टैब आपको यहाँ पे चौथे नंबर में मिल जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि भाई हेडर जो होता है ये चौथे नंबर में होता है। सिंपली आपको यहाँ पे उंगली ले क्लिक करना है और यहाँ पे इंटर दबाना है और यहाँ पे आपको अपना कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मुझे वैसे ही रहने देना है, किसी भी तरह का छेड़खानी इसमें नहीं करना है। अब यहाँ पे जो हम करने वाले हैं बैकग्राउंड में जो हमारा एरर है उसे कैसे हटाएंगे, जो कि दोस्तों काफ़ी डिफ़िकल्ट है, एंड्रॉयड मोबाइल से ये होता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, सर्च क्या करेंगे, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड हम यहाँ पर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको सर्च बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सिंपली सर्च करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जितना भी बैकग्राउंड है टोटल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे राइट साइड ऊपर में नेक्स्ट बटन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपको नेक्स्ट करते चले जाना है और फिर से नेक्स्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर से आपको बैकग्राउंड इमेज का URL हटाना है, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं पोस्ट लेआउट, आप यहां पे देख रहे हैं पोस्ट लेआउट बैकग्राउंड, और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है HTTPS, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं HTTPS, सिंपली आपको यहां पे सेलेक्ट करना है टैप करके और यहां पे आपको कम्प्लीटली सेलेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको उंगली से इधर घसका देना है सिंपली यहाँ तक और जहाँ तक आपको PNG यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं PNG यहाँ तक लिखा हुआ था और आपको इसे कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को आपको यहाँ पे हैश डाल देना है, ठीक है। हैश डालने के बाद अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ मेन्यू बार भी यहाँ पे छेड़छाड़ कर लें, तो यहाँ पे मोर के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से सर्च कर लेते हैं कुछ और, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूब, यूट्यूब लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी YouTube होगा वो टोटल यहाँ पे फाइंड कर दिया है, ठीक है। ऊपर में देख सकते हैं सर्च यहाँ पे YouTube है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, देख रहे हैं नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, जितना भी YouTube है टोटल YouTube आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सोशल मीडिया वाला भी आपको मिल जाता है, यहाँ पर हैज हटा करके आपको अपना URL वगैरह डालना है, ठीक है। हमने इस टेम्पलेट से रिलेटेड बहुत कुछ बताया है, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, तब जाके दोस्तों आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे
मैं जो बता रहा हूँ ये अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यूट्यूब जो है ये सोशल मीडिया का जो आप लोग लगाते हैं लिंक, तो ये आपको इसका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाइड हटा करके अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डालेंगे तो इसी तरह से यहाँ पर आपको गूगल प्लस, लिंकड, फेसबुक, ट्विटर सबका मिल जाता है, आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूट्यूब, तो यूट्यूब की जगह में हम यहाँ पर डाल लेते हैं टेक इसराइल, ताकि दोस्तों थोड़ा सा आपको लगे कि भाई चेंजिंग हुआ है। तो हम यहाँ पे डालते हैं टेक और यहाँ पे डालते हैं इसराइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक मनी देख रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक मनी ऑनलाइन, तो मैक मनी यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे भी हम डाल देते हैं इसराइल, ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिया इसराइल। अब यहाँ पे देख रहे हैं एडसेंस, तो एडसेंस में भी आप लोग अगर चेंज करना चाहते हैं जो कुछ भी यहाँ पे आप डालना चाहते हैं, यहाँ पे आपको अपने मेन्यू का नाम डालना है और हैज को हटा करके अपने कैटेगरी का यहाँ पे यूआरएल डाल देना है, ठीक है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे आपको क्या करना है नहीं करना, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल से नहीं बताया था। यहाँ पर दोस्तों जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी टेम्पलेट हो वो अगर ब्लॉगर के ऊपर है तो आप इसे बहुत ही आसानी के साथ इस प्रोसेस से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं इसराइल, ठीक है, बस इतना काफ़ी है आपको समझाने के लिए। अब सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसे कंप्लीट यहाँ से जो कुछ भी चेंजिंग आपने करना था कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा HTML कोडिंग जो है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे पेस्ट हो गया। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे टाइम लगता है क्योंकि ये जो है ब्लॉगर का जो डैशबोर्ड जो होता है और ये थीम का जो एडिट करने का जो फंक्शन होता है ये तो कभी कभी यहाँ पे स्लो हो जाता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सेव थीम के ऊपर करते हैं क्लिक और देख लेते हैं कि भाई हमारा जो है चेंजिंग ये अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो चुका है, फिर भी आप इसे दोबारा भी सेव करोगे तो ये दोस्तों ये सेव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेव हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपने साइट को एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ भी हमने यहाँ पे चेंज किया है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टेक इसराइल आ चुका है और यहाँ पे इसराइल आ चुका है और इसराइल एडसेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग इसे मोबाइल में इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा एरर था ये एरर यहाँ पे कम्प्लीटली हट चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसका URL, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यही URL है जिसके ऊपर हम यहाँ पे काम कर रहे थे। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। आप लोग अपने Google AdSense का ऐड भी यहाँ पे लगा सकते हैं, वेरिफिकेशन कोड जो लगाना होता है वो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो फाइनली फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।